नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल टेस्टी फूड। आज हम बनाए मोटी सेवई से चाउमीन। तो चाउमीन बनाने के लिए हमें चाहिए शिमला मिर्च, रिफाइंड ऑयल, प्याज, टमाटर, चाट मसाला, नमक, अजीनोमोटो, मोटे जवे, सोया सॉस और विनेगर। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जवों को भून लेंगे। ये देखिए जब हमारे बन चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। ये देखिए जब हमने प्लेट में निकाल लिए हैं, अब हम कढ़ाई में पानी डालेंगे। अब हम पानी में डालेंगे नमक, रिफाइंड ऑयल, और 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे विनेगर। अब हम इसमें डाल देंगे भुने हुए जवे। अब इसे हम बॉइल होने देंगे। ये देखिए जब हमारे उबल चुके हैं, अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे वॉश कर लेंगे। ये देखिए ये हमने अच्छे से वॉश कर लिए। अब हमें गैस पर रखेंगे हम कढ़ाई पैन। इसमें डालेंगे हम 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड हमारा गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, इसे हम अच्छे से भून लेंगे। प्याज हमारी हल्की सी रोस्टेड हो चुकी है। अब हम इसी स्टेज पर डाल देंगे टमाटर। इसे हम एक बार मिलाकर इसमें हम डाल देंगे। अब हम इसमें मिला देंगे शिमला मिर्च। अब हम इन तीनों को अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसमें मिलाएंगे साल्ट, चाट मसाला और अजीनोमोटो। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बेजी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं और ये गल भी चुकी हैं। इसमें मिलाएंगे अपने जवे। अब हम इन्हें मिला लेंगे। हम विनेगर, और सोया सॉस हम करेंगे अच्छे से मिक्स। ये देखिए हमारे नूडल्स बन चुके हैं। अब हम इसकी करेंगे प्लेटिंग। नूडल्स हमारे रेडी हैं। अब हम इसे धनिया पत्ता लगा देंगे। नूडल्स बनकर तैयार हैं। इसे आप सॉस चटनी मिलाकर खा सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर करें। थैंक यू।